मीना क्या वो परेशान लग रही हो? सब ठीक तो है ना? ठीक नहीं है, इसलिए तो भागती हुई गई थी जुनैद के पीछे। कसम से बहुत परेशान हूँ। फिर मजाले के कुछ बताया वो मुझे सवालों के बावजूद कोई जवाब नहीं दिया। तो अंदाजा लगाती ना, तुम बीवी हो उसकी, कुछ तो बताया होगा उसने कि वो क्यों परेशान है बातों बातों में। मुझे यूं बताएगा, सफीना बाजी है ना उसके दिल का दुख दर्द सुनने के लिए। मुझे मुझे मालूम है, उन्हें पता होगा। हाँ ये तो बड़ी ज्यादती करता है वो तुम्हारे साथ वैसे। अब देखो तुम उसकी बीवी हो, उसकी जीवन साथी हो, वो अपनी बातें तुम्हें बताए ना कि अपनी बहन को। वही ना, असल में ना जुनैद बहुत मोहब्बत करता है सफीना बाजी से। मोहब्बत तो वो तुमसे भी करता है, तुम्हें बताया था मुझे। हलाल रिस्क कमाना आला तरीन इबादतों में से एक है बेटा। जिंदगी में सारी खैर और बरकत इसके दम से कायम रहती है। खुदा का शुक्र है मैंने अपनी औलाद को उसके दिए पाक और तैयब रिस्क पर पाला। तुम भी हमेशा यही कोशिश करना। फौजिया पता नहीं कहां मर गई, फोन भी नहीं उठा रही। मुझे तो सख्त हैरत हो रही है, जुनैद ने तुम्हारी बात रख ली, मतलब इतनी आसानी से दस्तबरदार हो गया वो प्रॉपर्टी से हैं? हाँ तो जुनैद ने अब्बा जी की वसीयत का भी तो भरम रखना था, वरना कयामत के रोज अब्बा जी को क्या मुंह दिखाएगा। तुम भी अजीब हो ऐसे सफीना बेगम। नहीं लेकिन सच पूछो तो मुझे थोड़ा थोड़ा दुख हो रहा है जुनैद के लिए। शकील साहब, जुनैद की सगी मैं हूँ, आप नहीं है। और वैसे भी जब औलाद की बात आती है ना, तो ये भाई बहन का रिश्ता, बाकी सारे रिश्तेदार सब पीछे रह जाते हैं। तो हमारा जज्बाती हो रही हो भाई। देखो मैं अभी कह रहा हूँ कि बुला लो जुनैद को, करो फोन करो उसे। अरे मुझे नहीं बुलाना है जुनैद को शकील साहब। दरअसल बात यह है कि मैं नहीं चाहती कि इस रिश्ते की भिनक मीना को पड़े। समझे? मीना कौन है भाई? हेलो। हाँ फौजिया, तुम फोन क्यों नहीं उठा रही थी?